चार्जेबल गेन इंडिविजुअल और कंपनीज दोनों के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इंडिविजुअल कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं अपने चार्जेबल गेन के ऊपर। कंपनी का चार्जेबल गेन जो होता है बेसिकली वो उसका कॉर्पोरेट टैक्स कंपटीशन में जाता है, उसको सेपरेटली डिस्कस नहीं किया जाता। इंडिविजुअल का जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो इनकम टैक्स के अलावा सेपरेट तरीके से टैक्स किया जाएगा, जबकि कंपनी में ऐसा होता है कि हम कॉरपोरेशन की तमाम इनकम को एक जगह एग्रीगेट कर लेते हैं, उसमें चार्जेबल गेन और कैपिटल गेन टैक्स भी शामिल होता है। चार्जेबल गेन या अलाउबल लॉस कैसे अराइज होता है? जब हम कोई चार्जेबल डिस्पोजल करते हैं किसी चार्जेबल एसेट का और डिस्पोजल करने वाला चार्जेबल पर्सन होता है। सो इट्स चार्जेबल डिस्पोजल ऑफ अ चार्जेबल एसेट बाय अ चार्जेबल पर्सन। तीन चीज़ें इसके अंदर है, चार्जेबल डिस्पोजल, चार्जेबल एसेट, चार्जेबल पर्सन। चार्जेबल डिस्पोजल वो तमाम एसेट्स चार्जेबल होते हैं, डिस्पोजल में आते हैं चार्जेबल डिस्पोजल, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। अब यहाँ पर एक लिस्ट दी जा रही है कि क्या चीज़ एग्जेम्प्ट डिस्पोजल में आएगी और क्या चीज़ चार्जेबल डिस्पोजल में। याद रहे कि अगर एक चीज़ चार्जेबल डिस्पोजल नहीं होती तो उस पर आगे हम डिस्कस ही नहीं करते और उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। चार्जेबल डिस्पोजल के अंदर सेल ऑफ एसेट, गिफ्ट ऑफ एसेट, आइदर द होल एसेट और पार्ट ऑफ एन एसेट। सो होल एसेट और पार्ट ऑफ एन एसेट, आइदर गिफ्टेड और सेल, एक्सचेंज ऑफ एसेट, ये भी चार्जेबल डिस्पोजल में आएगा। लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, ये भी चार्जेबल में आएगा। डैमेज्ड ऑफ एन एसेट, जिसके अंदर आप कंपनसेशन रिसीव करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी चार्जेबल डिस्पोजल में आएगा। लेकिन अगर डिस्पोजल होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स डेथ, वो एग्जेम्प्ट डिस्पोजल है, और अगर कोई चैरिटी को दिया जाए तो वो भी एग्जेम्प्ट डिस्पोजल कंसिडर किया जाता है। चार्जेबल एसेट्स जो होते हैं वो तमाम एसेट्स चार्जेबल होते हैं जो एग्जेम्प्ट नहीं होते। तो एग्जेम्प्ट एसेट्स के अंदर हमारी ये लिस्ट है, जिसमें मोटर व्हीकल का अगर डिस्पोजल होता है तो एग्जेम्प्ट, मेन रेजिडेंस, कैश, रिसीवेबल्स, ट्रेडिंग इन्वेंट्री, NSNI सर्टिफिकेट्स, फॉरेन करेंसी फॉर प्राइवेट यूज, गिल्ड एज सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्वालिफाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सर्टेन चैटल्स, इन्वेस्टमेंट इन ISA, प्राइज इन बैटिंग विनिंग्स। चैटल्स कुछ एग्जेम्प्ट होते हैं और कुछ टैक्सेबल होते हैं, तो चैटल्स का आगे जाके हम रूल पढ़ेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एग्जेम्प्ट एसेट्स में आती हैं, तो क्वेश्चन में अगर ये चीज़ें आएंगी तो इन पर टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। चार्जेबल गेन कैलकुलेट करने के लिए चार्जेबल पर्सन जो होगा वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है। इस वक्त हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट होगा UK में इज़ अ चार्जेबल पर्सन एंड इज़ देयरफॉर लायबल ऑन देयर वर्ल्ड वाइड एसेट। और वो इंडिविजुअल जो रेजिडेंट नहीं होते हैं, नॉन UK रेजिडेंट होते हैं, वो UK एसेट्स पे जो है टैक्स देते हैं, वो वर्ल्ड वाइड एसेट पे टैक्स नहीं देते। लेकिन अगर एक शख्स UK रेजिडेंट है तो दुनिया में कहीं भी अगर उसका चार्जेबल डिस्पोजल होता है और चार्जेबल गेन आता है तो उसको टैक्स UK में देना पड़ेगा। जब भी हम चार्जेबल गेन की कैलकुलेशन करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोफॉर्मा बनाया जाता है गेन कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले हम उस प्रोफॉर्मा की बात करते हैं, उस स्पेसिफिक प्रोफॉर्मा की। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सेल प्रोसीड कितने की हुई हमारे पास। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेल प्रोसीड और फिर उसके अकॉर्डिंगली सेलिंग कॉस्ट यूजुअली अलाउबल होती है, वो सेलिंग कॉस्ट इस सेल प्रोसीड में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट सेल प्रोसीड आ जाएगी। उसके बाद इसमें से अलाउबल कॉस्ट माइनस की जाएगी। अलाउबल कॉस्ट के अंदर हमारे पास परचेज कॉस्ट आएगी, एक्विजिशन कॉस्ट आएगी, इंक्लूडिंग इंसिडेंटल कॉस्ट एसेट को ख़रीदने की, तो इंसिडेंटल कॉस्ट आएगी, वो भी इसका पार्ट बनेगी।
उसके बाद अगर कोई सब्सिक्वेंटली कॉस्ट इनकर्ड की जाती है, जिसे हम इन्हेंसमेंट कॉस्ट कहते हैं, याद रहे जो भी अलाउबल कॉस्ट होनी चाहिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। सो ये माइनस करने के बाद हमारे पास अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये चार्जेबल गेन होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो अलाउबल लॉस होगा। तो हम हर इंडिविजुअल एसेट का पहले एक सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। अगर एक ही साल में दो या तीन चार एसेट्स बेचे हमने तो सबको सेपरेट आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एसेट बेचा और उसके ऊपर गेन आया फॉर एग्जांपल 40,000 का, और दूसरा एसेट बेचा जिसके ऊपर लॉस आया 10,000 का, तो हम इस गेन और लॉस को ऑफसेट कर देंगे और ये हमारे पास इस साल का नेट चार्जेबल गेन आ जाएगा। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि नेट चार्जेबल गेन की जगह नेट अलाउबल लॉस आ जाए। उसके बाद इस फॉर्मेट को देखें, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने कैपिटल गेन जो भी आए, कैपिटल लॉस ड्यूरिंग द ईयर आए, उनको नेट ऑफ करना है नेट कैपिटल गेन टैक्स इन द ईयर, नेट चार्जेबल गेन और नेट कैपिटल गेन टैक्स इन द ईयर। उसके बाद इसमें से हमें एक एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करनी है। ये एनुअल एग्जेम्पशन हर इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, ये एनुअल एग्जेम्पशन कॉरपोरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती। इंडिविजुअल की इस साल की जो एनुअल एग्जेम्पशन है वो है 12,300। एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद आपके पास अगर कोई कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड पड़ा हुआ है तो वो कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड इसमें से माइनस किया जाएगा, और उसके बाद हमारे पास टैक्सेबल गेन आ जाएगा। अगर कोई कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है तो डायरेक्ट हमारे पास टैक्सेबल गेन आ जाएगा, और वो टैक्सेबल गेन सब्जेक्ट टू दी CGT रेट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 10, 20, 18, 28, इसके ऊपर टैक्स होगा। उसके बाद अगर कोई पेमेंट ऑन अकाउंट है तो उसमें से डिडक्ट हो जाएगी, और उसके बाद फाइनली हमारे पास CGT पेबल आ जाएगा। तो सबसे पहले सेपरेट एसेट्स का गेन और लॉस कैलकुलेट किया जाए, उसको फिर नेट ऑफ किया जाए, एनुअल एग्जेम्पशन माइनस की जाए, टैक्स कैलकुलेट किया जाए, और आखिर में पेमेंट ऑन अकाउंट उसमें से माइनस कर दी जाए। एवरी इंडिविजुअल नॉट अ कंपनी हैज एन एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ गेन फॉर ईच टैक्स ईयर, फॉर दिस टैक्स ईयर इट इज 12,300। इफ द एनुअल अमाउंट इज नॉट यूज्ड इट इज वेस्टेड एंड दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जाम्पल एस सोल्ड एन एंटीक आइटम फॉर 12,000 एंड अ पेंटिंग फॉर 20,000, दो एसेट्स बेचे ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, ही इनकर्ड ऑक्शनियर फी ऑफ 1% ऑफ द प्रोसीड, दिस इज द सेलिंग कॉस्ट, ही एक्वायर्ड द एसेट फॉर 13,000 एंड 7,000 रेस्पेक्टिवली। अब हम इसकी गेन कैलकुलेशन करनी है कि कितना गेन आया, और अगर लॉस है तो नेट चार्जेबल गेन कैलकुलेट करना। कैलकुलेट नेट चार्जेबल गेन, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इसकी सेल प्रोसीड 12,000, इसकी सेलिंग कॉस्ट 1%, की 1% सेलिंग कॉस्ट निकाली जाए 120 बनती, नेट सेल प्रोसीड। अब इस नेट सेल प्रोसीड में से अलाउबल कॉस्ट माइनस की जाएगी परचेस की, तो एक्विजिशन कॉस्ट हमारे पास है, ये हमने खरीदा था 13,000 का, वन वन टू ज़ीरो का अलाउबल लॉस। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट आइटम, पेंटिंग हमने बेची है, इसकी सेल प्रोसीड है 20,000 की, 1% फी सेलिंग कॉस्ट
200, this is 19,800 minus 7,000. So 12,800 का गेन आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं चार्जेबल गेन। अब क्योंकि हमारे पास एक एसेट में गेन है और दूसरे में लॉस है, इसको ऑफसेट करना पड़ेगा। तो 12,800 का चार्जेबल गेन और इसमें से हम माइनस करेंगे अलाउबल लॉस जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 1120। सो नेट चार्जेबल गेन हमारे पास आ जाएगा 11680। दिस इज नेट चार्जेबल गेन। अलाउबल एक्सपेंडिचर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग इंसिडेंटल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकर टू एस्टेब्लिश प्रिजर्व और डिफेंड द टैक्स पेयर्स टाइटल टू द एसेट, इंसिडेंटल कॉस्ट अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट। ये तमाम कॉस्ट जो होंगी वो अलाउबल कॉस्ट के अंदर माइनस की जाएंगी। समटाइम ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल को जो एसेट रिसीव होता है वो उसने परचेज नहीं किया होता, या तो उसे गिफ्ट मिला होता है या वो एसेट उसे किसी की डेथ के ऊपर इनहेरिट किया गया होता है। सो एज अ रिजल्ट अब उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे,